बसमिल स्टूडेंट्स आंसर्स बताऊंगा ही नहीं समझाऊंगा भी कि आंसर आता क्यों है क्वेश्चन नंबर वन इफ़ द प्रेशर ऑफ़ अ गैस इनिशियली एट सेवन सिक्सटी एम एम मर्क्यूरी इज़ इंक्रीज़ टू पॉइंट फाइव टू जीरो मिली मीटर मर्क्यूरी दैन वॉली ऑफ द गैस विल चेंज फ्राम टू डेसिक मीटर क्यूब टू अब ये देखें प्रेशर वन है मिसाल के तौर पर और वॉल्यूम वन है जब प्रेशर बढ़ा दिया टू हो गया तो वॉलीम डिक्रीज़ हो गया अब एग्ज़ाम्पल्स जो हमारी गिवन है सेवन सिक्सटी मिलीमीटर मीटर है और उस टाइम पे वॉल्यूम है टू डेसीमीटर क्यूब जब प्रेशर बढ़ा के वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिलीमीटर मर कर दिया गया तो वॉल्यूम कितना होगा बॉयल्स लॉ से होगा बॉयल्स लॉ क्या, क्या कहते हैं पी वन वी वन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू इस केस में देखें पी वन मल्टीप्लाई बाई वी वन क्या है सेवन सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई टू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी और इस केस में क्या होगा ताकि वन फाइव टू जीरो आ जाए वन फाइव टू जीरो मल्टीप्लाई बाई वन तो हमारा आंसर भी होगा वन डेसीमीटर क्यूब क्वेश्चन नंबर टू द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ये जनरल उसने बात बता दी है क्वेश्चन इससे आगे है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अब याद रखें जो जो ऊपर जाना शुरू करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है जो जो ज़मीन के पास आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारी बॉडी के ऊपर आ रहा होता है वो ज़्यादा होता होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा तो सतह समुंदर के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है वन एटमॉस्फेयर तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होता है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड थोड़े दरमियाने साइज़ के पहाड़ों पर चले जाएँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होकर एटी फाइव रह जाता है माउंट एवरेस्ट के करीब चले जाएं तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होकर सेवेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुँच जाता है तो अब अपने आंसर्स देखते हैं इसमें ऑप्शन सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ही ठीक है क्योंकि बाकी तीनों तो हंड्रेड और उससे अबव हैं क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स विच वन इज़ पोलर एंड कैन डिजोल्व कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जो इसकी डायग्राम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पोलर है। सबसे हैं सबसे ज़्यादा याद रखें वेरी पोलर कौन से हैं हाइड्रोजन और ये जो सेवेंथ ग्रुप होता है हेलोजेंस का ये वेरी पोलर होते हैं हम लोगों ने कौन सा ढूँढना है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होता है ठीक है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फॉरिंग विच वन इज पोलर पोलर ही ढूंढना है तो अभी देखना शुरू करेंगे एक तो हाइड्रोजन होता है और ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं लेस पोलर कौन से होते हैं बोरॉन हो गया नाइट्रोजन फॉस्फोरा ऑक्सीजन सल्फर और नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें कार्बन होते हैं यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले नॉन पोलर होते हैं अभी बेंजीन जो है ईथर है पेट्रोल है, है ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये देख लें बेंजीन सी सिक्स एच सिक्स कार्बन का है यह है इथर सी टू एच फाइव ओ टू इथर का फार्मूला कार्बन कंटेनिंग है और गैसोलीन यानी पेट्रोल ये भी कार्बन कंपोनेंट्स की चेन है आखिरी वाटर ही बचता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड की तरह नहीं होती ये एक इमेजिनरी बॉन्ड होती है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से होती है बिटवीन वन मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शल नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर आया था यानी हाइड्रोजन के ऊपर देखें पॉजिटिव आया है और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है तो वाटर इज अव Answer: Question four: Molarity of a solution of sodium hydroxide is one molarity. How many number of moles of sodium hydroxide will be present in 250 fifty cube of this solution? Yes, understand. Molarity क्या होती है? Moles of solute per liter of solution. यानी कि इस बिल्कुल जिस तरह है, आप चाय की पत्ती डाल रहे हैं और नीचे पानी है। चाय की पत्ती अगर वन मोलरिटी डाली जाए वन हम लोगों का जो फाइनल सोलूशन आया है कि चाय कितनी कड़क है वन मोलरिटी तो हम लोगों ने कितनी जो है अंदर पत्ती डाली है फोर्टी ग्राम मिसाल के तौर पर ये क्यों निकला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कि अगर आपने वन लीटर पानी के अंदर फोर्टी ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो उसका वन मोलरिटी आ जाती होती है फोर्टी ग्राम कहाँ से निकला है कि सोडियम का देखें एटॉमिक मास कितना होता है ट्वेंटी थ्री ऑक्सीजन का सिक्सटीन ऑलमोस्ट और हाइड्रोजन का वन तो ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस वन फोर्टी अब आगे देखते हैं वन मोलैरिटी इज इक्वल टू वन मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि वन मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे देखें तो सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम पहले तो वन लीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में वन लीटर होता है हज़ार सेंटीमीटर क्यूब के बराबर <coughs> अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा गया कि अगर टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब हो यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी प्रेजेंट इन टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोलूशन अगर हमने हज़ार सेंटीमीटर क्यूब से कम करके टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब कर दिए आंसर हमें वन मोलारिटी ही चाहिए ठीक है तो फिर इसको भी हम लोग कितना रिड्यूस कर देंगे जितना इसको रिड्यूस किया इसको फोर टाइम रिड्यूस किया है तो इसको भी फोर टाइम रिड्यूस कर देंगे यानी वन मोल से पॉइंट टू फाइव मोल हो जाएगा तो ए इज़ आवर आंसर क्वेश्चन फाइव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस वेच इसको एक मज़ेदार एग्जांपल से समझें ट्रेवल एजेंट क्या करता है क्या वो खुद ट्रैवल करता है या आपको ट्रैवल कराता है वो आपको ट्रैवल कराता है इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराता है मिसाल के तौर पर आप ये देखें और हाइड्रोजन जो है ये क्या हो रही है ऑक्सीडाइज हो रही है ठीक है ये ऑक्सीडाइज हो रही है यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया खुद ये क्या हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा देखें सी था अब सी ओ रह गया ऑक्सीजन इसमें कम हो गई है तो आप देखें ट्रैवल एजेंट ट्रैवल कराता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कराता है तो यहाँ पे देखें ऑक्सीडाइजेज अदर्स ये वाला आंसर जो है ठीक है इसके अंदर देखें रिड्यूस एड सेल्स ये भी ठीक है ठीक है तो यही हमारा आंसर है दूसरों में बाकियों में देख लेते हैं रिड्यूसल ये तो ठीक है एंड ऑल्सो अदर सब्सटेंस ये फॉल्स है ऑक्सीडाइजेडेड सेल्फ नहीं खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता दूसरों का करता है ऑक्सीडाइजेड सेल्फ नहीं खुद नहीं होता तो ऊपर वाला ही हमारा आंसर है ए क्वेश्चन नंबर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन फोर शेल्स के एल एम एंड एन एल शेल हैज सब एल शेल में कौन से सब सेल्स होते हैं इसको डायग्राम से याद कर लें पहला जो शेल है के उसमें एक ही सब शेल होता है वन एस दूसरा शेल होता है एल इसमें दो सब शेल होते हैं टू पी और टू एस तीसरा शैल होता है एम इसमें तीन सब शल्स होते हैं थ्री एस पी डी और चौथा एन होता है जिसमें फोर एस फोर पी फोर डी फोर तो ये आपको डायग्राम जहन में हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं कि एल शेल हैज़ हाउ मेनी सब शल्स पहले याद रखें के एल एल था एल में दो होते हैं टू एस और टू पी तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन सेवन आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर ये आम बात है ये क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी ट्यूमर याद रखें कैंसर होता है और कैंसर सी से शुरू हो रहा है और उसको कोबाल्ट सिक्सटी सी से शुरू होने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही खत्म करता है तो हमारा आंसर है कोबाल्ट सिक्सटी क्वेश्चन नंबर एट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड द कोलिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स इसके लिए हमें इसकी डायग्राम देखनी चाहिए सी एस टू कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार सल्फर के छः अब एक सल्फर और एक कार्बन इस साइड से मिल इनके ये दो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर कर लेंगे तो दो बॉन्ड्स बन जाएंगे और ये कौन सी है कोवलेंट बॉन्ड तो मुझे तो यही आंसर लग रहा है शुरू में ही मिल गया और इस तरह भी देखे जाए तो ये दो कोवैल बॉन्ड्स हैं तो आंसर तो यही है सी एस टू लेकिन बाकी भी हम देख लेते हैं सोडियम सल्फाइड में देखें दोनों सोडियम के जो एटम हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं और सल्फर के आउटर मोस्ट में छः इलेक्ट्रॉन थे तो वो टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है इस तरह सोडियम सल्फाइड बन जाता है इसी तरह लिथियम ब्रोमाइड को देखें तो लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ब्रोमीन के आउटरमोस्ट में सेवन है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं और इस तरह लिथियम प्लस बन जाता है और वो ब्रोमीन माइनस बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड को देखें तो कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक क्लोरीन एटम को दे देता है और खुद कैल्शियम प्लस टू बन जाता है और दो क्लोराइड आयंस बना देता है क्वेश्चन नंबर नाइन द ग्रुप एंड पीरियड दैट शोज इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्स इज थ्री एस टू थ्री पी फोर इसके लिए आपको थोड़ा सा पीरियडिक टेबल ट्रेब, जहन में रखना चाहिए ये ग्रुप्स हैं ऊपर यूं करके ये एक ग्रुप है ये एक ये चौथा ग्रुप है ये पांचवा है ये छठा या सातवां है इस तरह और पीरियड्स जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं और ग्रुप का मतलब होता है कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ग्रुप सिक्स का मतलब आउटर मोस्ट शेल में छः इलेक्ट्रॉन्स तो आप ये देखें तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में फोर प्लस टू छः इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ग्रुप सिक्स बन रहे हैं नेक्स्ट आपने देखना है पीरियड और अच्छा पहले इस समय आंसर में देख लें तो आंसर में सिक्स तो सिर्फ एक ही में आ रहा है डी तो अभी से पता लग गया कि डी ही होगा लेकिन देख लेते हैं ये देखें थ्री दोनों जगह पर दोनों के साथ थ्री लिखा हुआ है तो ये पीरियड थर्ड के अंदर है तो यही हमारा आंसर है डी क्वेश्चन नंबर टेन एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है दे वॉन्ट टू कम्प्लीट वेलेंस सेल नहीं ये तो एक वजह नहीं है ये तरीक़ाकार है जिसकी वजह से वो अचीव करना चाह रहे हैं कोई काम ठीक है दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये तो एक नेचुरल बात है ये वजह नहीं है कि क्यों रिएक्ट करते हैं दे वॉन्ट टू अटेन स्टेबिलिटी ये वजह है कि बेसिकली आम हालात में वो अनस्टेबल होते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो रेडिकल किस्म की कंडीशन में होते हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए तो वो स्टेबल हो जाते हैं तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन अलेवन नॉन मेटल्स डो नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजीली ये एक आम बात है इसका सवाल से ताल्लुक नहीं है सवाल अगला है प्रिडिक्ट विद स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट नॉन मेटल्स पहला देखें मेलीएबल मेलिएबल सा एक साथ और लफ्ज होता है डक्टाइल ये दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं मेलिएबल का मतलब कि बाइक कंप्रेसिंग उसको पतला कर करके दबा कर पतला करना और डक्टाइल कहते हैं उसको खींच खींच कर लंबा करना इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं तो ये दोनों तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं आगे बाकी दो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ये तो हमें पता है मेटल के जो आइटम्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं नॉन मेटल्स नहीं होते आखिरी चीज़ दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स जो, जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमें है हम लोग को कहा जाता है कि अगर कभी आग कभी करंट लग रहा हो तो लकड़ी को हाथ लगाओ तो नॉन मेटल्स जो हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वुड होगी प्लास्टिक होगी ग्लास होगी दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये बात जो है ना नॉन मेटल्स के बारे में है क्वेश्चन ट्वेल्व केमिस्ट परफॉर्मड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ग्लूकोज सिक्स एस ट्व सिक्स सैम्पल आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये रट्टे वाला सवाल है डेफिनेशन है लेकिन आपको एक दफ़ा तस्वीरें दिखा दूँ बायो केमिस्ट्री क्या होती है जो लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रही होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है जो कि इन्फॉमेशन कम्युनिकेशन ऑप्टेनिंग प्रोसेसिंग इफॉर्मेशन के बारे में कोई साइंटिस्ट लगाओ कोई ऑप्टेन कर रहा हो इनफॉर्मेशन किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में तो प्रॉब्बली यही आंसर होगा हमारा क्योंकि यहाँ पे एक साइंटिस्ट परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट टू चेक परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ग्लूकोज लेकिन आगे बाकी डेफिनेशन देख देते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है जो कि लार्ज स्केल पर चीज़ों को मैनुफेक्चर कर रही हो प्रोसेस कर रही हो और फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कम्पाउंडस तो हमारा यही आंसर है एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आप इस किस्म की मदीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं